दशहरा मेरे प्यारे बहन भाइयों, करवा चौथ आ रही है। करवा चौथ कब की है ये मैं आप सबको बता रही हूँ। करवा चौथ के व्रत के दौरान हमें क्या नियम रखने चाहिए ये सब आप सब सुनिए। प्रत्येक वर्ष सुहागिन महिलाओं के द्वारा कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। पंचांग के अनुसार इस बार करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर को किया जाएगा। करवा चौथ के व्रत का बहुत महत्व है। यह त्यौहार पति पत्नी के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इस खास अवसर पर सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। मान्यता है कि व्रत करने से महिलाओं को सदैव सुहागिन होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होता है। यह व्रत सूर्योदय के साथ प्रारंभ होता है और चंद्रोदय के साथ समाप्त होता है। सनातन शास्त्रों में महिलाएं नियमों का पालन ना करने से व्रत के फल के लाभ से वंचित रह जाती हैं। सुहागिन महिलाओं को 16 श्रृंगार के बाद पूजा अर्चना करनी चाहिए। महिलाओं को अच्छी तरीके से श्रृंगार करना चाहिए। मेहंदी बहुत महत्व रखती है। इस दिन करवा चौथ के दिन मेहंदी जरूर लगाएं। महावर का भी बहुत विशेष ध्यान रखना। महावर का भी लगाना पैरों में बहुत महत्व रखता है और मांग भरना, लाल बिंदी लगाना, ये सब बहुत महत्व रखता है। चंद्रमा दर्शन करने के बाद ही महिलाओं को अपना व्रत तोड़ना चाहिए। तभी ही जल पीना चाहिए, खाना खाना चाहिए। व्रत के दौरान किसी का अपमान ना करें। इसके अलावा व्रत में अन्न जल का सेवन नहीं करना चाहिए। पूजा करने में कोई भी बर्तन टूटा हुआ नहीं लेना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ देने के लिए मिट्टी का करवा लेना चाहिए। मिट्टी के करवा से ही अर्घ देना चाहिए और सुहाग का सामान अर्पण करने के लिए सुहाग का सामान पूजा में रखना चाहिए। ये सुहागन स्त्री को दान में देना चाहिए, जैसे कि सास हैं, ननद हैं, जिठानी हैं, इनको अपना जिस सुहाग का सामान जरूर दान करना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद में पति के हाथों से जल पीना चाहिए। चलिए मैं आप सबको करवा चौथ का शुभ मुहूर्त बता देती हूँ कब से लगेगी। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 19 अक्टूबर को शाम 6:16 पर होगी। वहीं इसका समापन 20 अक्टूबर को दोपहर 3:46 पर होगा। सनातन धर्म में उदय तिथि का विशेष महत्व है। ऐसे में इस बार करवा चौथ 20 तारीख को यानी कि रविवार को किया जाएगा। जय सिया राम। आपकी करवा चौथ बहुत खुशियां लेकर आए। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं करवा चौथ की।